हेलो टेरेश, वेलकम बैक टू द अनदर इंटरडे स्टॉक वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए कुछ बेहतरीन इंटरडे स्टॉक जिसपे आप इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर एक आप प्रॉपर एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस के साथ करते हैं तो आपका एक अच्छा खासा टेड हो सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और टेरेश, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहां भी जुड़े, आपको वहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल दिया जाता है। तो अभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं कल के लिए हमारा फर्स्ट स्टॉक। कल के लिए हमारा फर्स्ट स्टॉक हो जाएगा एक्सिस बैंक की तरफ से। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो एक अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये कल के सेशन में ये रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट कर देता है तब इसमें बाइंग पोजीशन के लिए जाएंगे, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 8640 के ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8660, सेकेंड टारगेट रखेंगे 870 का और उसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 860 का। अगर ये रेजिस्टेंस को कल ब्रेकआउट कर देता है तब इसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे। तो कल के लिए हमारा ये फर्स्ट इंटरडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे जरूर टैग करें। तो कल के लिए हमारा सेकंड स्टॉक हो जाएगा ग्रासिम इंडस्ट्रीज की तरफ से। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक सपोर्ट लेवल पे मल्टीपल टाइम यहाँ रिटेस्ट कर चुका है। अगर ये कल के सेशन में अगर यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन कर देता है तब इसमें शॉर्ट सेल पोजिशन बनाएंगे, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 1595 से नीचे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1591, सेकेंड टारगेट रखेंगे 1586 का और उसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 1600 का। अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तब इसमें शॉर्ट सेल पोजीशन बनाएंगे। तो कल के लिए हमारा ये सेकेंड इंटरडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे जरूर टैग करें। तो कल के लिए हमारा थर्ड स्टॉक हो जाएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से। इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखे तो असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस को कल ब्रेकआउट कर देता है तब इसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 408 के ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 410, सेकेंड टारगेट रखेंगे 413 का और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 405 का। अगर ये यहाँ से आगे ब्रेकआउट करेगा तब इसमें बाइंग पोजीशन के लिए जाएंगे। अगर ये ब्रेकआउट नहीं करके मार्केट निगेटिव साइड जाएगा तब इसमें शॉर्ट सेल पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 403 से नीचे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 401, सेकेंड टारगेट रखेंगे 398 का और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 406 का। अगर यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट की तरह मल्टीपल टाइम यहाँ रिटेस्ट कर चुका है, अगर ब्रेक डाउन करेगा तब इसमें हमें इस लेवल से शॉर्ट सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो कल के लिए हमारा ये थर्ड इंटरडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे जरूर टैग करें। और ट्रेडर्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, आपको यहाँ प्रॉफिटेबल इंटरडे स्टॉक वीडियो देखने के लिए मिलता है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़े, आपको वहाँ लाइव मार्केट अपडेट देखने के लिए मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अभी आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं।